वो केक को वैक्सीन नहीं देना है। ओ ओ ओ रहने दो, बस कीजिए आपकी चित्रकला। सर सर प्लीज। नहीं नहीं, अरे वो 2 का 3 कर दिया इन्होंने। चलो चलो चलो, अरे बर्बाद कर दोगे, खाने लायक नहीं रहेगा, थोड़ी रहने दीजिए। हम सबको पता है कि अथर्व का 3rd rank आया, तो मायने नहीं रखता कि किस पे क्या लिखा है। अथर्व की टीचर का फोन है। हेलो मिस शालू। मिस्टर वागले, अथर्व बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। जी। And he has done very good in drama class. जी जी जी। But I think in academics he has done. I know. Academics में मुझे पता है, he has surprised everybody. और ये सब कुछ आपकी वजह से, आपने efforts लिए इसीलिए ये हुआ। What do you mean, Mr. Wagle? अथर्वा की जो ये rank आई है, क्या वो मेरी वजह से आई है? Of course, teacher. I mean, आपने जैसा पढ़ाया वैसा result आया। Mr. Wagle, अथर्व के इस result में मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए आप क्रेडिट ले नहीं रही है, ये आपका बड़प्पन है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे टीचर? अथर्व के स्कूल में है? क्या नहीं, आपने पूछा ना कि ऐसे टीचर मिलते ही कहाँ हैं, तो मैंने बोल दिया अथर्व के स्कूल में। हंसना है? आपकी मर्जी, पर थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके एफर्ट्स की वजह से आज हम अथर्व का अचीवमेंट सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उस खुशी में हम केक लेकर आए, देखिए। आजकल के ये पेरेंट्स कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। कैसा लगा केक में शालू? डैडी तेरे टीचर के साथ बात कर रहे हैं। मिस्टर वागले, अथर्व की इस रैंक पे ऐसे सेलिब्रेट करना, ये पर वो, अरे मैं बात कर रहा था तुम्हारी टीचर से। ओ वो डैडी। हाँ। मैं आ गया ना गेस्ट ऑफ ऑनर, तो अब टीचर से बाद में बात कर लेना। अच्छा बाय द वे, तुम्हारी टीचर ने मुझे सब बता दिया। बता दिया कि तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। डैडी को तेरी सही रैंक पता है? डैडी सॉरी कि मैंने ड्रामा किया, बट पढ़ाई भी की। तो एकेडमिक्स और ड्रामेटिक्स दोनों में तुम कमाल हो। और ये केक? हाँ, ये जो केक का किस्सा है ना, वो तुम्हें सुनाएंगे ये जो सब जानते हैं जबकि कुछ नहीं जानते। I know. ले को। स्पेशली राजेश भैया और वंदना भाभी, इन दोनों की वजह से हमारी एनिवर्सरी आज और भी खूबसूरत और यादगार बन गई। ऊपर से मेरे वो चर्चगेट वाले भैया है ना, वो कोविड नेगेटिव निकले, इसलिए मेरी एनिवर्सरी डबल यादगार बन गई। अब माय स्टार सन, माय टॉपर, कम। चलो केक काटो। अच्छा ओके ओके, एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। ओके अथर्व की ये जो अचीवमेंट है वो कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मतलब आखिरी 3 में से पहले 3 में आना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अथर्व की मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से उसने इसे आसान बना दिया। अथर्व जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं और मंदु इसे हमेशा पूछते थे कि अथर्व कैसी चल रही तैयारी, तो अथर्व कहता था फर्स्ट क्लास। Honestly, we never believed it. लेकिन अथर्व को अपने आप पर विश्वास था और वो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करने में जुट गया और नतीजा आप सबके सामने। Congrats. अब दूसरी बात यह है कि अथर्व की वजह से मुझे एक सीख मिली है, वो ये है कि कि
जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आप सबके सामने मैं ज्योति भाभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। पता था मुझे, पहले से ही पता था। ए छलक, व्हाट? चुप। ज्योति भाभी, आप के कजिन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। सर, अभी अभी आपने कहा कि मेदूवड़ा एकदम बकवास है। नो, बकवास नहीं, मैंने कहा खास है? ये मेदूवड़ा बहुत ही खास है। नहीं 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 सर, आपने कहा था कि बकवास है ऐसा। तुम बकवास बंद करो मार्फतिया, और आगे से रोज हेल्प लीजिए बन्ना भाभी की। हा? यस सर। किस चीज पे हेल्प लेने की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? इस असाधारण अद्भुत अप्रतिम मेंदू वड़ा बनाने में वन्ना भाभी। मेंदू वड़ा खा खा के पेट हो गया है इतना बड़ा जितना पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश भाई का काम मैंने कर लिया। कटे राजेश भाई, नाश्ते में भी नहीं आए। वो ना रात भर गाड़ी चला के सुबह 5 बजे पहुंचे, बहुत थके हुए थे तो सो गए। कमाल है, आप जग गई। मतलब? अरे मुझे बोला ज्योति ने कि आप दोनों सहेलियां रात 4 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे। क्या आप भी हर्षद भाई, गप्पे तो आप लड़ा रहे थे ज्योति भाभी के साथ, और फोन पे बात कर करके मन नहीं भरा तो चैटिंग पे शुरू हो गए। हाँ रोमांस क्या वरना भाभी, मैं रात भर फोन और चैटिंग पे? अरे मैं तो 11 बजे सोनी लिव पर स्कैम देख के सो गया था। स्कैम? शेयर बाजार का इतना बड़ा खिलाड़ी और स्कैम देख रहा है इतने दिनों बाद? ऐसे ही नकली खिलाड़ियों से होती है टीम बर्बाद, होती है टीम बर्बाद। वाओ, वेरी नाइस। ये छलर। व्हाट? और यामिनी अभी इतने दिनों बाद नहीं, 100वीं बार देख रहा था। और मारे हम नाम हर्षद मेहता के ऊपर बेस्ट वेब सीरीज है ये। इतने दिनों तक मैं ना देखूं ऐसा हो सकता है? ये सही फरमाया आपने, पर ज्योति भाभी आपसे नहीं किसी और से कर रही थी बात, क्या इस बात पे गौर किया आपने? अरे होगी कोई ज्योति की सहेली, उससे मुझे क्या लेना देना है? लेना देना नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ज्योति भाभी सहेली से नहीं किसी सहेले से कर रही होगी बात, फिर आप नहीं भूल पाएंगे कल की रात, कल की रात, कल की रात। मैं तो मजाक कर रही थी हर्षद भाई, एक्चुअली ना वो मैं और ज्योति भाभी पूरी रात बात कर रहे थे। अच्छा, तब तो आप भी पूरी रात नहीं सोई होगी वन्ना भाभी। आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए मेंदू वड़े लेके आता हूँ। नहीं नहीं देखो भाई, मैं नाश्ता यहीं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ए चल शांति रख, मंगवाता हूं नाश्ता। हर्षद भाई सोच रहे थे कि ज्योति भाभी मुझसे बात कर रही है, मुझे लग रहा था कि हर्षद भाई से बात कर रही हूँ, पर ज्योति भाभी तो किसी और से ही बात कर रही थी। कौन है वो जिसको सबकी नजरों से छुपाना चाहती है ज्योति भाभी? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब खुशी से ज्यादा ना एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहा हूँ। एक रात जाग के क्या बिताई, कितने लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए, जरा सोचो। मैंने सोचो बोला तो तुम लिटरली सोचने लगी। नहीं राज, वो मैं ज्योति भाभी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ज्योति भाभी को? वो एक्चुअली ज्योति भाभी, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हर्षद भाई और ज्योति भाभी के बीच में ये वो कौन आ गया, और किससे छुप छुप कर बातें कर रही थी वो? यही सवाल मैंने ज्योति भाभी से भी किया। मैंने बताया ना आपको, फोन पर हर्षद ही थे। ज्योति भाभी, हर्षद भाई ने मुझे खुद बताया है कि वो रात को 11 बजे ही सो गए थे। प्लीज सच बताइए कि बात क्या है, कौन है वो जिससे आप हर्षद भाई से छुप छुप के बातें कर रही थी? देखिए ज्योति भाभी, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं।
मुझसे गलती हो गई वंदना भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताती हूँ मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। वंदना भाभी वादा कीजिए मुझसे कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। दरअसल मैं मानती हूँ राज की भूल ज्योति भाभी से हुई है, लेकिन गलती हर्षद भाई की भी है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना इस प्यारे से रिश्ते को बचाने के लिए। क्या? लेकिन मनु क्या करें? सोचो ना, तुम ही कुछ सोचो, क्योंकि ये बात हर्षद भाई से ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती है। वंदना, पन्ना, 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 अच्छा भाई आपने आपका वोट भी वंदना को दिया? अरे राजेश भाई, मैं तो आप ही को वोट देने वाला था ना, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले वंदना अभी आके नहीं मिलती ना तो। हर्षद भाई आपको पता है मैंने राज के दोस्त को फोन क्यों किया? क्योंकि वो मुसीबत में थे, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि मैंने उन्हें भेजे। अब राज ने ना उन्हें उनकी एक गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए गलत मान लिया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हर्षद भाई, खासकर इस मुश्किल वक्त में। राज खुद ही हमेशा कहते हैं कि आप किसी के सुख में उसका साथ देना दें, उसके दुख में हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। क्या बेवकूफी है हर्षद भाई, दो इमोशनल लाइनें क्या बोल दी वंदना ने, आप पिघल गए, पलटी खा गए। अरे पत्नी है मेरी वंदना, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा, और अगर नहीं मानेगी ना तो मैं मनवाऊंगा, दबाव डाल के मनवाऊंगा, जबरदस्ती मनवाऊंगा। अरे राजेश भाई वक्त की नजाकत को समझो ना, ये वक्त गीले शिकवे पालने का नहीं है, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करने का है, और पूरी जिंदगी थोड़ी ना ऐसा रहने वाला है। एक बार ये मुसीबत का वक्त निकल जाए ना उसके बाद मनवा दे रहना अपनी बात। लेकिन अभी अभी वंदना अभी की बात को समझो, समझो राजेश भाई, ये वक्त हाथ बढ़ाने का है, खींचने का नहीं है। अच्छा फिर जब ज्योति भाभी अपने बीमार और जरूरतमंद कजिन रमेश भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद करना चाहती है तब आपको तकलीफ क्यों होती है? ज्योति भाभी ने आपको बताया था ना कि रमेश भाई अस्पताल में हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, उनकी हालत बड़ी खराब है, लेकिन आप तो रमेश भाई से नाराज थे है ना, क्योंकि कुछ साल पहले रमेश भाई की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसों का भारी नुकसान हुआ था। उस दिन के बाद ना आपने रमेश भाई से बात की और ना ही आपने ज्योति भाभी को बात करनी थी, और अब जब ज्योति भाभी ने रमेश भाई की मौजूदा खराब हालत के बारे में आपको बताया तब आपने क्या कहा था, याद कीजिए जरा, कि मरता है तो मरने दो, हमें क्या लेना देना है ना। ज्योति भाभी बेचारी आपसे छुप छुप कर अपने भाई का हालचाल ले रही, उनका हौसला बढ़ाती है और बस यही कहती रहती है कि एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि किसी इंसान की एक गलती की वजह से ना उसे जिंदगी भर के लिए दोषी करार कर देना सही नहीं है। एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि सही गलत का जितना फैसला एक पति ले सकता है उतना ही पत्नी भी ले सकती है। और पुरुष जो है वो स्त्री के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक है या फिर ज्यादा समझदार है, ये भी एक गलतफहमी है जो पुरुषों ने फैलाई है, और स्त्रियों के बारे में बेतुकी और वाहियात बातें करना वो भी किसी पुरुष ने बनाई है और उसी ने फैलाई है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ हर्षद, ना तथ्य है और ना ही तत्व। रमेश भैया का फोन है,
ओ ओ हेलो कौन को फोन कर सकता है गीता को ही मैं तो कुछ नहीं हुआ क्या गीता को ही वाह कमा हूँ गाय हो ये वही को उल्लू कटा पा उल्लू का बच्चा अब को हूँ को क्या गीता हाँ वाह कोई कोई करा मुझे हाँ व्हाट वो कंखा मका माँ मका मंगा मंगा ये कौन होगा इन्होंने कहा कि साले बहन को फोन कर सकता है जीजा को नहीं मैं तो तेरा दुश्मन हूँ ना जीजा थोड़ी हूँ माना कि मैं हूँ जालर गधा बेवकूफ हूँ मैं लेकिन हूँ तो तेरा जीजा ना जीजा को माफ नहीं करेगा तू अपनी बिल्कुल फिक्र मत कर महंगे से महंगे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा मैं अर्शद भाई महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं अच्छे से अच्छे अस्पताल में क्यों सॉरी सॉरी ओह माय गॉड योर फोन टेक इट खोल के दो माय गॉड एंड दो ये क्या है तूने मेरे साथ आज तक जो जो बुरा किया है ना बचपन से लेके आज तक उस हर एक चीज के लिए एक एक इतनी गांठ मारनी पड़ी कि दुपट्टा ही भर गया अच्छा चल फिल्म देखते हैं मॉम डैड पता नहीं कब आएंगे वशेश्वर भाई अरे आइए बहन जी ये लीजिए खाना अरे बहन जी आप रोज ये महंगा और होटल का खाना ले आती है हमने तो पहले भी कहा था हमारे लिए तो दाल चावल ही काफी है बहुत प्यार से लाई है खाना ये प्लीज ले लीजिए कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मांग के खाना पड़ेगा देखिए भाई कठिन समय चल रहा है आपत्ति हम सब पर आई है सब कहीं ना कहीं अटके पड़े आप यहाँ हम भले ही उस रिजॉर्ट में हैं लेकिन अपने अपने घरों से दूर ही है ना प्लीज प्लीज खा लीजिए आप मिस मनमन ये मेलोड्रामेटिक सीन दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया हाँ ये मजदूरों को खाना देने की बात तो समझ में आई मुद्दा ये है कि इनके पास ये कैश आया कहां से किसने दिए ये पैसे वो पैसे तो हमारे थे हमने दिए थे इनको That's all. इससे ये साबित होता है कि ये मुनमुन इन्हें खाना बेचती है और इनसे पैसे लेती है नहीं नहीं वो खाने के पैसे नहीं थे वो तो हमारी मजदूरी की कमाई थी जो हमें हमारे परिवार को पहुंचानी होती है हमारे पास तो मोबाइल वगैरह कुछ साधन है नहीं तो ये बहन जी को हम देते थे तो वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पैसे खाते में जमा करा देते थे और इनके पास से मैंने कैश लिए और मैंने उनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं ये देखिए मेरे फोन में ऐप है आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम मैंने पैसे इनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं और इनके पास से कैश मेरे पास रह गए क्योंकि मैं बैंक में नहीं जा सकी लॉकडाउन की वजह से अब आपकी क्या राय है आदरणीय जोशीपुरा जी पन्ना भाभी मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं मुझे माफ कर दीजिए प्लीज अरे माफी हमसे मत मांगिए आपसे मांग भी नहीं रहा हूं माफी वंदना भाभी से भी मत मांगिए मुनमुन से मांगिए जिसको आपने इतना भला बुरा कहा जबकि वो सिर्फ इन जरूरतमंदों की मदद कर रही थी मुनमुन आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो मैंने तुम पे शक किया नहीं सर आप बड़ा है मुझसे बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगली बार किसी के ऊपर शक करने से पहले आप 100 times सोचिएगा प्लीज मुनमुन तुम कितना अच्छा काम कर रही हो दिस इज इनक्रेडिबल मुनमुन दिस इज सीरियसली इनक्रेडिबल हम लोग अपनी लाइफ में इतने मगन रहते हैं कि भूल जाते हैं कि कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी सैलरी अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा पा रहे और कितने तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी उनको मिल ही नहीं रही है
सैलरी राज मुझे याद आ गया कि ये गांठ मैंने क्यों बांधी है। ऐसा क्या याद आया पूजनीय वंदना भाभी को जिसे याद करने के लिए उन्होंने अपने दुपट्टे में गांठ बांध रखी थी? फूक क्या थे? फोन का है राज, किस चीज के लिए गांठ मारी थी वो? क्या हुआ मम्मा? वायरस मम्मी गांठ की मिस्ट्री सॉल्व हुई ना। सैलरी राज, हम आशा को सैलरी देना भूल गए और वही बात याद रखने के लिए तो ये गांठ मारी थी। मैं भी भूल गया था। मनी ट्रांसफर, एक मिनट, आशा को मैसेज भेजता हूँ। अब जाकर कहीं चैन पड़ेगा मुझे। कैसे होता है ना राज, हम कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनों का ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। राइट। हम हमेशा ना ऐसा फील करते कि हम मिडिल क्लास वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस महामारी के माहौल में हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले जितने लोग हैं, दे आर द वर्स्ट हिट, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ। एक्चुअली एक्चुअली आशा दाई का फोन आ गया। काय आशा दाई, पैसे आले का? नहीं, थैंक यू मला नको म्हणू, एक मिनिट थांब। आशा सॉरी, सैलरी भेजने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी आशा। डैडी तू ठीक है ना? हां ठीक है ना। हां अभी अपने शर्ट पे गार्ड बांध दो। क्यों? ताकि आपको भी याद रहे कि इस बेचारे अथर्व को आपको लेटेस्ट गेम्स दिलानी है और साथ में नए शूज भी दिलाने। सबसे पहले तुम अपने हाथों को गार्ड बांधो ताकि तुम्हें याद रहे हर रात को तुम्हें होमवर्क करना और दीदी को सताना भी नहीं। हां टॉप क्लास, हां टॉप क्लास, मिडिल क्लास, सब समझ में आने लगा है तुझे अथर्वा? मम्मी मेरा मतलब था कि क्या मतलब था तेरा? हाँ कि तेरे डैडी तक्कू भाई हर्षद भाई की तरह कमाते नहीं है, उनके जैसे पैसे वाले नहीं है, तो वो हाई क्लास नहीं है। हाँ लो क्लास है राइट? नहीं मम्मी वो नहीं। मम्मी क्या? हाँ नहीं मम्मी, मम्मा ये संभाल के। नहीं मम्मी क्या होता है अथर्वा, तूने टॉप क्लास बोला ही क्यों? अब तू पैसे से डिसाइड करेगा कि किसका क्लास क्या है? उस हिसाब से तो वो बदतमीज आदमी जो क्या नाम है उनका, मारफतिया अंकल, मारफतिया जी के मुंह पे गाली देकर गया, टेबल पे पैसे फेंक कर गया, उसके पास तो बहुत पैसा है। हा? तो क्लास थी उसमें? सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है अथर्वा, और ये पर्दे क्यों उतारे? प्रॉब्लम क्या है पर्दों से? वो मॉर्निंग में जल्दी लाइट अंदर आ जाती है। देखो ये पर्दे ठीक ही नहीं है, ये पर्दे पतले है। आपको पता है विद्युत के रूम के पर्दे कितने? तुम विद्युत नहीं हो अथर्वा, यू आर यू। और ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाई थी जब ये रिजॉर्ट के मेंबरशिप के लिए तुमने कहा था इट्स ओनली 50,000। लेकिन नहीं, तुम ना अब तुम्हारा बाहर जाना बंद, तुम कमरे में रहोगे और ये कमरा ठीक करोगे। जस्ट अभी हाउसकीपिंग वाले रूम ठीक करके गए थे ना? लेकिन मम्मी क्या, अगर विद्युत की तरह रहना है ना तो फिर उसके जैसे रिस्पॉन्सिबल भी बनो। देखा है वो कितना नीट एंड क्लीन रखता है अपना कमरा? क्योंकि वो अकेले रहता है मम्मी, हम लोग चार चार एक ही रूम में रहते हैं, और वो भी सादा वाला रूम। विद्युत तो सुपर डीलक्स रूम में रहता है। हाँ तो मुझे भी दो ना अपना एक सुपर डीलक्स रूम, मैं भी अच्छे से रखूंगा। हाँ सुना सखी, अब महाराज को अपना अलग कमरा चाहिए, पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर दूं मैं आपके लिए सर। मम्मी आप डांट क्यों रहे हो, मैंने सॉरी बोला ना, एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिजॉर्ट खरीदूंगा फ्यूचर में। मम्मा ये देखो अथर्वा अंबानी। सकी दीदी आप हंसो मत, एंड मम्मी आप देख लेना, मैं डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट डैडी कितना हार्डवर्क करते ना पैसे कमाने के लिए। एंड आप ही तो कहते हो कि मंथ के एंड में कभी कभी हमारे पास पैसे की कमी रह जाती है। हाँ तो मुझे इतना रिच बनना है कि हमारे पास कभी पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो, हमारे पास बहुत बड़ा रिजॉर्ट हो, चार चार गाड़ी हो, एक सुपर डुपर स्विमिंग पूल वाला बंगला हो, यू नो मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ सबके लिए। मम्मी जब मेरे पास 1,000 करोड़ रुपीज आएंगे ना तभी आप लोग हैप्पी होंगे, क्योंकि मैंने पता कर लिया है ओनली मनी कैन बाय happiness।
Only money can buy happiness. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.